खबर है यूजीसी नेट सहित प्रवेश परीक्षाओं में आवेदन के लिए छात्रों को मिलेंगे और मौके। दोस्तों, कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन में फंसे छात्रों के अनुरोध को देखते हुए सभी प्रवेश और स्कॉलरशिप परीक्षाओं के आवेदन की अंतिम तिथि को एक महीने तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसके तहत अब छात्रों को 30 अप्रैल या उससे भी आगे तक आवेदन करने का समय मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक डीजी को इसे लेकर तुरंत प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देश दिए थे, जिसके बाद एनटीए ने यह फैसला लिया है। इससे पहले भी मंत्रालय ने छात्रों और अभिभावकों के आने जाने की परेशानी को समझते हुए नीट और जेईई मेन्स जैसी परीक्षाओं को भी मई के अंतिम सप्ताह तक के लिए स्थगित करने के निर्देश दिए थे। मानव संसाधन विकास मंत्री के निर्देश पर फिलहाल जिन परीक्षाओं के आवेदन की अंतिम तारीख को एक महीने तक के लिए आगे बढ़ाया गया है, उनमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च JNU प्रवेश परीक्षा, UGC नेट, CSIR नेट, NCHM, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट JEE, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की PhD परीक्षा, मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षा और ऑल इंडिया आयुष PG प्रवेश परीक्षा आदि शामिल हैं। खबर है झारखंड में अब तक राहत, 196 संदिग्धों में 190 निगेटिव। दोस्तों, झारखंड के लिए सोमवार को भी राहत भरी खबर है। अब तक एक भी कोरोना संक्रमित मरीज प्रदेश में नहीं मिला है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अब तक 196 संदिग्धों की सैंपल जाँच हुई है, जिसमें 190 रिपोर्ट निगेटिव मिले हैं। रविवार को 17 संदिग्धों के सैंपल की जांच की गई थी, इसमें 11 के रिपोर्ट नेगेटिव मिले, जबकि 6 संदिग्धों की रिपोर्ट अभी नहीं मिली थी। झारखंड में अभी तक कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला है। यहां अब तक कुल 196 लोगों के सैंपल की जांच हुई, जिनमें 190 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 6 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। रविवार को राज्य में कुल 17 लोगों के सैंपल जाँच के लिए भेजे गए, इनमें से 11 लोगों की जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, 6 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। खबर है इस हफ्ते बारिश के आसार कम, 6 दिनों तक तापमान में वृद्धि होगी। जी हाँ, मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि आगामी 6 दिनों तक रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर HD कोटाल ने बताया कि अगले 6 दिनों तक रांची का अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस तक व न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। 27 मार्च को रांची का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 30 मार्च से 9 अप्रैल तक पूरे राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। फिलहाल तापमान बढ़ने से लोग गर्मी से परेशान हैं। हालांकि लॉकडाउन के कारण शहरवासी अपने अपने घरों में कैद हैं, स्कूल दफ्तर दुकानें आदि भी बंद हैं, जिसके कारण आम लोगों को तीखी धूप से राहत है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को सामान्य तापमान की अपेक्षा रांची के अधिकतम तापमान में 1.0 डिग्री सेल्सियस की गिरावट एवं न्यूनतम तापमान में 1.0 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई थी। बता दें कि मार्च के महीने में इस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। हर कुछ दिनों पर बारिश का एक पैटर्न देखने को मिला है। खबर है सोशल डिस्टेंसिंग का अब तक नहीं हो रहा पालन, पुलिस ने बढ़ाई सख्ती, मजदूरों का पलायन जारी। जी हाँ, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन को सोमवार को 6th दिन है, पर अब तक लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक नहीं दिख रहे हैं। रोजाना की तरह ही लोगों ने भीड़ में खड़े होकर सब्जी व ज़रूरी सामग्री की खरीदारी की। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद लोग घरों में चले गए और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। वहीं विभिन्न जिलों से अपने घर जाने के लिए अब भी मजदूरों का पलायन जारी है। मजदूर पैदल ही अपने गांव की ओर जा रहे हैं। इधर रांची की सभी सीमा को सील कर दिया गया है, साथ ही शहर के एंट्री पॉइंट को भी बैरिकेडिंग से घेर दिया गया है। ना तो बाहर से वाहनों को आने की इजाज़त दी जा रही है और ना ही यहां से बाहर जाने वाले वाहनों को। वहीं सभी चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अनावश्यक वाहन लेकर निकलने वाले लोगों को पकड़कर सीधे थाने लेकर जाएं। इसके बाद पुलिस जगह जगह वाहन सवारों को रोककर पूछताछ कर रही है। गरीबों और भूखों के लिए खाना बांटने वाले संस्थाओं के वॉलंटियर्स को छोड़कर अन्य लोगों को रोका जा रहा है। खाद्य आपूर्ति करने वाले वाहनों को छोड़कर अनावश्यक निकलने वाले मालवाहक वाहन को भी रोका गया। खबर है लॉकडाउन में फंसे 3,42,000 झारखंडियों ने सरकार से मदद मांगी, 10 नए हेल्पलाइन नंबर। जी हां, लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे
342,000 झारखंडियों ने राज्य सरकार से मदद मांगी है। इन शिकायतों के आधार पर संबंधित राज्यों के अधिकारियों को सूचना भेज दी गई है ताकि उनकी मदद की जा सके। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर कहीं कहीं मदद पहुंचाए जाने की सूचना भी मिली है। सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की समस्या सुनने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया है। कंट्रोल रूम में फिलहाल 10 नए हेल्पलाइन नंबर काम कर रहा है। रविवार देर रात से इन नंबरों पर एक साथ 40 कॉल आने लगेंगे। IAS पदाधिकारी भोर सिंह यादव व सुशांत गौरव को कंट्रोल रूम को नियंत्रण पदाधिकारी बनाया गया है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की जानकारी लेने के लिए जारी किए गए सचिवों के नंबर को 2 दिनों में कुल 9,200 फोन कॉल आए हैं। 28 मार्च को राज्य के अधिकारियों के फोन नंबर पर कुल 6,500 कॉल आए। 28 को आए फोन कॉल में विभिन्न राज्यों में फंसे कुल 2,65,000 लोगों ने मदद मांगी। 29 मार्च को राज्य के अधिकारियों के फोन पर 2,700 कॉल आए और 77,000 लोगों ने मदद मांगी।